नमस्ते। तो सबको मिलता है रक्षाबंधन के बाद गिफ्ट, लेकिन मुझे रक्षाबंधन के पहले मिली, मतलब रक्षाबंधन के बाद तो और मिलेगा ही, लेकिन कुछ रक्षाबंधन के पहले मिले ही गिफ्ट उनको बता देती हूँ। मतलब कुछ मैं सोच रही थी, लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं, फिर मैंने सोचा ऐसा शेयर करें जी, रक्षाबंधन आ रहा है। तो पहला गिफ्ट में शुरुआत करती हूँ अपनी बेटी से। तो मेरी बेटी ने मुझे दिया था ये कप, मुझे मदर्स डे पे है ना दिया ला, और इस पे मेरी देखिए पिक्चर है, लहंगे में बहुत चुड़ैल वाली पिक्चर बनाया डाला है, देख लीजिए। फिर ये वाली पिक्चर मुझे बहुत अच्छी लगी, और ये इनको जानते ही है तो ये, लेकिन मैंने इसे बहुत संभाल के रखा है, और हाँ रखूँगी संभाल के, क्योंकि ये पहला गिफ्ट था, फर्स्ट नहीं। एक मुझे पर्स दिया था, दो पर्स दिया था, और एक ये, तीन ही गिफ्ट दिया, ज़्यादा नहीं दिया है। पीछे से इतनी चौंक रही है, मेरे लड़के ने भी दिया है, उसका भी गिफ्ट मैं निकालूंगी फिर दिखाऊंगी। और उसके बाद जाके सडनली मेरी लड़की को पागल पंथी सवार ली, और उसने ये गिफ्ट लेके आया, इसको मैं अभी बाद में चालू करके दिखाऊंगी। बताइए ये गिफ्ट का क्या मतलब है, लेकिन इन्होंने दिया है, मैं बाद में इसे दिखाऊंगी, इसमें लाइट आता है, बाद में दिखाती हूँ मैं। हाँ जो मुझे एक्चुअली इसके पीछे का रीजन है, हाँ क्योंकि कृष्णा जी की मूर्ति लेने गई थी, तो ये मेरे लिए ले आई, इनको इसमें मेरे कान्हा जी कहाँ देखे मुझे समझ नहीं आया। यही बोलते हैं कि माँ को लेके जाओ हमेशा तो सही रहता है। एक्चुअली उस टाइम पे लॉकडाउन था, दुकान वाले इतना घाई कर रहे थे, तो मैंने बोला ठीक है। एक ये मेरा पायल है माँ से, समझ लीजिए मैं गांव गई थी तो उसमें कहाँ मिला होगा गिफ्ट। ये पायल मुझे काफी दिन से ऐसा पायल लेने का शौक था, ये देखिए इधर, ये मतलब सिंपल सा है मुझे, लेकिन इसका ये जो फूल है ना ये बड़ा प्यारा लगा, क्यूट सा। और ये मेरी मम्मी ने साड़ी दिया था मुझे, दिखा रही हूँ अभी, मैंने इसमें फॉल नहीं लगाया इसलिए बची हुई है, नहीं तो मैं पहन डालती, बस फॉल लगाने की देरी है। दिखाती हूँ ये पूरा ऐसे है, कलर बड़ा प्यारा है, ऐसे बॉर्डर है, और ये पाटा पल्लू टाइप है, बस इसमें मुझे बॉर्डर लगाने की देरी है। मैं पहनूंगी या मेरी लड़की, लेकिन फॉल लगा दूंगी तब, क्योंकि बिना फॉल के जमेगी नहीं, फॉल तो साड़ी में। इसका मैंने ब्लाउज भी सिल लिया, फॉल नहीं लगाया, सोचने वाली बात है, फॉल नहीं लगाया, ब्लाउज मैंने सिल लिया, मम्मी के यहाँ पर ही सिला था मेरे ब्लाउज, उसका ब्लाउज मैंने कुछ ऐसे सिला था, मेरे पास जैसे बाही का मैंने सिला लिया, इस बाही का सिला नहीं था तो मैंने ये सिल लिया, ऐसे पुंगौली बाही का, पुंगौली राही आगे का, मेरे पीछे का पैटर्न कर लिया। तो ये रक्षाबंधन को मेरी लड़की पहनेगी, फॉल लगा दूंगी, तो फॉल मुझे आज मिला के लगाना, क्योंकि भाई तीन दिन रह गया। और ये मिला था मेरे भाई के ससुराल से, जिनकी मंगनी आपने देखी थी, बस अभी 12 दिसंबर को इनकी शादी है, वहाँ से मुझे मिला था ये गिफ्ट। मेरी लड़की को बड़ी घाई लगी है। ये है ब्लाउज, इसमें है जो नॉर्मली अब सब साड़ी में रहते ही, ये देखिए ये मतलब ऐसे बहुत अच्छा कलर है, बहुत अच्छा गिफ्ट दिया मेरे भाई की ससुराल से, मतलब बहुत प्यारा है, बोलते हैं ना गिफ्ट बहुत यादें जुड़ जाती है जब भाई के ससुराल से ऐसे कुछ मिलता है और बड़े प्यार से दिया। तो हाँ मेरी भाभी की मम्मी, मतलब जो जिन्हें हम चाची कहते हैं, बहुत अच्छे से हम लोगों का स्वागत किया, बहुत अच्छे हैं, बहुत दिल से ऐसे करवा देते। तो मैं ये जला के दिखाती हूँ कि जलता कैसे। नी बैंक, जिनको पैसा जमा करना है इसमें जमा कर दो भाई, और इन्हें देख लिए, ये मेरी बुआ ने दिया था, ये मेरी मम्मी ने दिया था, इसको 5 साल होने का आया, ये हो गया 2 साल, और ये अभी 1 साल होने को आया। तो ये आप बताइए कौन देता है ऐसी पागल होने की। ये मुझे रक्षाबंधन के पहले ही मिल चुके हैं। मेरी लड़की के गिफ्ट तो बोलते हैं ना, बच्चे माँ को कुछ भी दे तो प्यारे लगते हैं, वो तो मैं भी हंस रही थी। मेरी लड़की का दिया हुआ कप, मम्मी की दी हुई साड़ी, और ये पायल, ये पायल मुझे बहुत पसंद है, तो रक्षाबंधन पर भी जरूर डालूंगी। साड़ी
एंड थैंक यू वेरी मच। इसे अगर आपको गिफ्ट मिले हैं तो यार इसको यूज़ कीजिए। मैं तो यूज़ कर लेती हूँ, अगर इसमें फोन लगा होता तो मैं कब का यूज़ कर लेती। इसका ब्लाउज मैं भी जल्दी सिल के इसको भी पहन लूँगी। एंड थैंक यू वेरी मच। छोटी सी वीडियो है तो पसंद कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो गिफ्ट हैं उनको ये निकाल के एक बार, जो आपने कबाड़ में रखे हुए हैं कहीं से मिले, एक बार उसे निकालिए, देखिए और उसके साथ में देने वाले की फीलिंग को देखिए।